हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, लेट ए इज इक्वल टू ए, आपको मैट्रिक्स दी हुई है। शो दैट, हमें प्रूव करना है ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए n माइनस वन बी ए, वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू n। n बिलोंग्स टू n मीन्स n जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब हम इसको प्रूव करेंगे, किससे प्रूव करेंगे, हमने 11th क्लास में पढ़ा था फॉर चैप्टर PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी से हम इसको प्रूव करेंगे। वी विल यूज़ PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। अब प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या था हमारे पास, सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते थे, उसके बाद n इज इक्वल टू k पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम k इसके लिए ट्रू करेंगे, k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये हमारा इक्वल है। ये हमें दिया हुआ है ए आई प्लस बी ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए, पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, ए आई प्लस बी ए, एन की वैल्यू हमने क्या पुट की 1, इज इक्वल टू ए, एन की वैल्यू हमने पुट की 1, आई प्लस एन की वैल्यू 1 हो गई, बी ए और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1, और किसी की भी पावर अगर 0 आती है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल। ये एज इट इज़ आ जाएगा, ए आई प्लस बी ए, ये हमारे पास क्या हो गया 1, विच इज़ ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे ट्रू। सपोज द रिजल्ट इज ट्रू, हमने मान लिया कि रिजल्ट ट्रू है, तो फॉर n इज इक्वल टू k, अब हम लेके चल रहे हैं कि हम सपोज कर रहे हैं n इज इक्वल टू k के लिए भी हमारा रिजल्ट ट्रू है। लेट ए आई, फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n इज इक्वल टू k, ए आई प्लस बी ए, पावर क्या आ जाएगी आपके पास से k, प्लस इज इक्वल टू ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। वी शैल प्रूव दैट, अब हम किसके लिए प्रूव करेंगे, के लिए हम ट्रू मान के चले हैं, अब हम प्रूव करके दिखाएंगे कि के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। वी शैल प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, अब हम प्रूव करके दिखाएंगे ए आई प्लस बी ए की पावर कि जहाँ पर n था n को हमने रिप्लेस कर दिया k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब अगर इसको मेंशन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसको हमने ब्रेक कर लिया a की इसकी पावर 1 और इसको हमने क्या कर दिया k, अगर हम दोनों को इकट्ठा करते हैं बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो वापस क्या आ जाएगा k प्लस 1, इसको एज इट इज़ रखेंगे। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन फर्स्ट यूज़ कर लेंगे इसकी जगह हम ए आई प्लस बी ए की पावर की, इसकी हमें वैल्यू मिली हुई है फर्स्ट इक्वेशन में, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इसकी जगह हमने क्या पुट किया ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए, ये वैल्यू पुट की, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए ए की पावर यहाँ पर के है यहाँ पर 1 पावर है तो दोनों के बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, ए की पावर के प्लस 1, आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या आएगा आइडेंटिटी स्केयर प्लस, फिर इसकी हम सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे के ए की पावर यहाँ 1 है यहाँ के माइनस 1 है, अगर किस के माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ए की पावर के बी ए, और साथ में क्या है हमारे पास आइडेंटिटी प्लस, फिर हम इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ए की पावर के आई बी ए, ये भी एज इट इज लिखा प्लस, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बी ए, बी ए और बी ए दोनों जगह है तो क्या आ जाएगा बी स्केयर ए स्केयर के ए की पावर के माइनस 1, इसको एज इट इज़ रखेंगे, आई स्केयर प्लस के ए की पावर के बी आई ए प्लस, इनको एज इट इज़ रख के फिर हमें फाइंड करना आई स्केयर, आई हमारे पास क्या है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का अगर हम स्केयर करते हैं वो भी हमारी किसके इक्वल आती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का स्केयर करेंगे वो भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का क्यूब करेंगे वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, आइडेंटिटी की हम कितनी भी पावर करें हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल आएगी।
उसके बाद हमारे पास सेकंड है आइडेंटिटी और ए की मल्टीप्लाई। कोई भी ए हमें मैट्रिक्स दी हुई है उसकी अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगी, वापस से ए के इक्वल आएगी, वही मैट्रिक्स आएगी हमारे पास में। थर्ड है हमारे पास ए स्केयर। ए आपको दिया हुआ है, गिवन है ए मैट्रिक्स, ए स्केयर करेंगे। ए स्केयर करने के लिए हमने ए इंटू ए किया, अगर हम इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो के ज़ीरो के साथ क्या आएगी ज़ीरो, वन की और ज़ीरो की क्या आई ज़ीरो, फिर इसकी इसके साथ करेंगे तब भी क्या आएगा ज़ीरो, फिर इस सेकेंडों की फर्स्ट के साथ करेंगे ये भी ज़ीरो, सेकेंड की सेकेंड के साथ करेंगे ये भी ज़ीरो, सभी एलिमेंट्स ज़ीरो, इट मीन्स पूरी मैट्रिक्स ज़ीरो है आपके पास। वैल्यू अप्लाई करेंगे अब हम ए की पावर के प्लस वन, आइडेंटिटी स्केयर किसके इक्वल है आइडेंटिटी के इक्वल है, प्लस के ए की पावर के बी, आइडेंटिटी और ए की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगी ए, प्लस के ए की पावर के बी ए एज इट इज आएगा आपके पास। उसके बाद हम करेंगे ए की पावर के प्लस वन आई एज इट इज आ जाएगा प्लस, अब ये हमारे पास ए की पावर ज़ीरो होती है तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया ज़ीरो। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेंगे ए की पावर के बी ए, इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, ये कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा के और इधर क्या बचेगा आपके पास प्लस से वन। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ए की पावर के प्लस वन इज आइडेंटिटी प्लस के प्लस वन एज इट इज़, ए की पावर के को हम क्या लिख सकते हैं के प्लस वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो गया वापस क्या आ जाएगा के आ जाएगा और बी ए, फिर इसको हमने लिख दिया ए की पावर के प्लस वन आइडेंटिटी प्लस के प्लस वन इंटू ए की पावर के प्लस वन माइनस वन बी ए, ये हमारी क्या आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, यही हमें प्रूव करना था कि के हमारे पास ट्रू है बट के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू, ए हमें कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है प्रूव करना है, ए एन इज इक्वल टू ए एन हमें फाइंड प्रूव करने के लिए भाई वी शैल प्रूव दैट द रिजल्ट बाई पी एम आई, उसी का यूज़ करेंगे हम पी एम आई का, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके लिए हमारे पास ए दिया हुआ है एंड ए की पावर एन हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, पुट करेंगे सबसे पहले एन इज इक्वल टू वन, वन के लिए प्रूव करेंगे वन वैल्यू पुट करेंगे थ्री, एन की वैल्यू क्या पुट कर दी वन, वन माइनस वन यहाँ भी क्या आ जाएगा वन माइनस वन, वन माइनस वन सभी डिजिट्स में सेम का सेम आएगा, वन माइनस वन क्या आ जाएगा ज़ीरो, थ्री की पावर क्या आया ज़ीरो, और किसी की भी पावर अगर ज़ीरो वो किसके इक्वल होता है वन के इक्वल, तो सभी हमारे पास क्या आएंगे वन 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 आ जाएंगे। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या दी हुई थी ए वन, यही मैट्रिक्स दी हुई है, ये हमारे पास इक्वल प्रूव हो गई विच इज़ ट्रू। लेट पी के बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, फिर हमने मान लिया कि ए के है जो वो भी हमारे पास क्या है ट्रू है किसके लिए एन इज इक्वल टू के लिए। अब हम एन को रिप्लेस कर देंगे किसके अंदर के अंदर, ए की पावर के इज इक्वल टू थ्री की पावर, एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया के, थ्री की पावर के माइनस वन, थ्री की पावर के माइनस वन, इसी तरह थ्री की पावर के माइनस वन, सभी जगह ऐसे ही करेंगे। इसको हम क्या देंगे इक्वेशन नंबर वन का नाम देंगे। अब हम प्रूव करेंगे कि एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी रिजल्ट ट्रू है। नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि के प्लस वन के लिए भी रिजल्ट ट्रू है। ए की पावर के प्लस वन है, इसको हमने ब्रेक कर लिया ए की पावर वन इंटू ए की पावर के, बेस सेम है पावर एड हो जाएगी के प्लस वन आ जाएगी वापस। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ए हमें मैट्रिक्स दी हुई है वन 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 वन, ए की पावर के, ए की पावर के आपके पास क्या है इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ है, उसके लिए हमने क्या कर लिया यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे एज इट इज़ रखेंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा थ्री की का पावर के माइनस वन, फिर इसकी इसके साथ करेंगे इसकी इसके साथ थ्री टाइम्स आ जाएगा आपके पास थ्री इंटू थ्री की पावर के माइनस वन, सभी में ऐसे कैसे आ जाएगा आपके पास है? फिर हमारे पास क्या है दोनों का बेस सेम है इट मीन्स पावर ऐड हो जाएगी, इसको हम क्या लिख देंगे थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन, सभी को ऐसे लिख देंगे और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 3, 1, -4, -1 देन प्रूव ए एन इज इक्वल टू 1+2n -4n n 1-2n। ये आपको दिया हुआ है वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। गिवन क्या है, a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, टू प्रूव करना है a की पावर n इज इक्वल टू, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, a की पावर 1 आ जाएगा, 1+2n की जगह क्या पुट करेंगे 1, अब -4n की जगह क्या आया 1, यस इट इज़ 1, 1 -2n की जगह क्या आएगा 1, 2 1 जा 2, 2+1 3 आ जाएगा, -4 और 1 की मल्टीप्लाई -4, 1 एज इट इज़ 1, -2 क्या आएगा -1। यही हमें क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स इक्वल है, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट द रिजल्ट विच ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, फिर हम लेके चलेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए भी रिजल्ट ट्रू है, पुट करेंगे n इज इक्वल टू k, a की पावर k इज इक्वल टू, जहाँ हमारे पास n है उसको हमने रिप्लेस कर दिया k, क्या आ जाएगा 1+2k -4k k 1-2k, और n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दिया। उसके बाद वी शैल प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब हम प्रूव करेंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी हमारे पास रिजल्ट ट्रू है। a की पावर k प्लस 1 इसको हमने ब्रेक कर दिया a की पावर k इंटू a की पावर k आपके पास क्या है 1+2k k- यूजिंग फर्स्ट कर लिया हमने, फर्स्ट में हमें दिया हुआ है a की पावर k हमारा इसके इक्वल है, और a आपके पास गिवन में है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट की पहले फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1+2k की 3 के साथ कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6k, -4k इसी तरह फिर फर्स्ट की सेकंड के साथ करेंगे, सेकंड की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, ही आ जाएगा आपके पास 3, 6 -4k आ जाएगा 2k, 3 एज इट इज़ -4 एज इट इज़ -8k +4k -k 3k+1 -2k 3k -2k क्या आएगा k प्लस 1 -4+2 -2k आ जाएगा आपके पास, और -1 हमारे पास क्या आया -1 -2k। अब हम इसको लेंगे, 3 को हमने क्या लिख दिया, 3 को हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 2+1, और आपके पास और क्या दे रखा है 2+1+2k, 1 को हमने आगे लिख लिया, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया 2, अंदर क्या बचेगा k प्लस 1, इसी तरह हमने इसको नोट कर लिया, इसी प्रकार से इसको -4 हमने कॉमन ले लिया, क्या आएगा k प्लस 1, ये इधर एज इट इज़ है, फिर इसको भी हमने ऐसे ही ब्रेक कर लिया 1-2k+1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, जहाँ पर हमारे पास k दिया हुआ था हर जगह पे हमारे पास क्या आ गया k प्लस 1 रिप्लेस हो गया, तो हमने क्या बोल दिया कि रिजल्ट हमारे पास वो ट्रू है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a एंड p आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और कैसी हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ए बी माइनस बी ए आपके पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गिवन है आपके पास ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इट मीन्स क्या है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आएगा और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आएगा, इसको हमने क्या नाम दे दिया फर्स्ट। फिर हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे उसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज जब हमने किया तो दोनों का, कभी भी हम ए माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, अलग अलग हो जाएगा हमारे पास ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, जब मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज ओपन होता है तो पीछे की साइड से हमेशा ओपन होता है, तो पहले क्या आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, यहाँ क्या आएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज,
ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। फिर बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसी तरह ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है यूजिंग फर्स्ट। दोनों में से हमने कॉमन क्या लिया, माइनस, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आया। और कभी भी अगर उसकी कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो हम क्या बोलते हैं, इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या बोल देंगे, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ये बता रखा है कि ये प्रूव करना है बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कब, अकॉर्डिंग टू ए। जब ए हमारे पास सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक आएगा, और ये ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा तब ये भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें दो केस लेके चलने हैं। वी सपोज दैट ए इज ए सिमेट्रिक। फर्स्ट केस में हमने ले लिया कि हमने मान लिया कि ए हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। अगर ए हमारे पास सिमेट्रिक है देन ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। अब हम इसको भी प्रूव करेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किया। जब हम इसका ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर ले लिया, बी ट्रांसपोज, और इसको हमने पूरे को एक डिजिट मान के एक लेके चल रहे हैं, इस पूरे का ट्रांसपोज। फिर जब हम ट्रांसपोज ओपन करते हैं तो बैक साइड से ओपन होता है, तो क्या आएगा, पहले ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, पहले से ट्रांसपोज है, एक बार फिर से ट्रांसपोज होगा, डबल ट्रांसपोज आएगा। फिर ए बी पे फिर से मल्टीप्लाई में दो मैट्रिक्स, तो उस पर फिर से वही प्रॉपर्टी लगेगी, ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और कभी भी डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वो वापस किसके इक्वल आता है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, ये आपके पास आ गया। फिर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो बी ट्रांसपोज एज इट इज़, ए ट्रांसपोज को हमने क्या लिख दिया, ए, और बी को हमने एज इट इज यूजिंग फर्स्ट फर्स्ट का यूज़ किया। तो हमारे पास ये जब इसी के इक्वल आ गया, प्लस के इक्वल आ गया, तो हम क्या बोल देंगे, इफ़ ए इज ए सिमेट्रिक देन बी डैस ए बी इज ए ऑल्सो सिमेट्रिक। सेकेंड केस आपके पास क्या है, सेकेंड केस आपके पास है वी सपोज दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम लेके चलेंगे कि ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। फिर हम इसके ऊपर फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ओपन करेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी और पूरे का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज फिर से ओपन हो गया, ए बी का ट्रांसपोज और बी का डबल ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा, पहले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल आ गया वापस, बी ट्रांसपोज एज इट इज़, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। तो इसकी जगह हमने क्या रखा, माइनस ए इंटू बी यूजिंग फर्स्ट। अब इस पूरे में से हमने कॉमन क्या ले लिया, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। अब ये हमारा क्या लिख सकते हैं हम, कि बी ट्रांसपोज ए बी का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके इक्वल आया है, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक देन बी डैस ए बी इज ए ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो भी हमें मैट्रिक्स दी हुई है, जो प्रॉपर्टी दी हुई है, ये किस पे डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू ए। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये क्या आ गया, सिमेट्रिक, और अगर ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी क्या आया, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, थैंक यू। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।